क्या किसी का वशीकरण किया जा सकता है, क्या किसी को वश में किया जा सकता है, यह एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। अक्सर ज्योतिष विधा में रुचि रखने वाले इस प्रश्न को लेकर के हर किसी के पास जाते रहते हैं। वशीकरण शब्द आप अभी अगर गूगल सर्च में डाल देंगे तो करोड़ों आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तथ्य मिल जाएंगे। देखा जाए तो यह एक सिर्फ मस्तिष्क का लोचा तरह का है, मतलब पूरी तरह से यह स्टार्ट टू फिनिश ए टू जेड मिथ है। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता। यह एक मन का भाव है। हम किसी के सौंदर्य में स्वतः वश में हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वश में होना और वश में करना आकाश पाताल का अंतर है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम स्वतः किसी के वश में चले गए, माँ के वश में, पिता के वश में, भाई के वश में, भावनाओं में बह करके, या फिर किसी मित्र के वश में चले गए। हम उसके बिना, हमको लगने लगा कि हमारी जिंदगी अधूरी रहेगी। उसने किया कुछ नहीं है, लॉजिक देखिए ना, उसने किया कुछ नहीं, हमें लगने लगा कि उसके बिना हमारी जिंदगी कुछ है ही नहीं, तो हमने स्वतः अपने आप को वश में किया है। उसने भला क्या किया? नहीं होता ऐसा। यह अपनी कुंडली का योग होता है। पंचम नवम का संबंध अष्टम छठम से, पंचम नवम का संबंध आठवें और छठे से हो गया तो हो गया खेल, हमें लगने लगा। अर्थात किसी के द्वारा वश में किया जा सकता है, यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। यह पूरी तरह से एक मिथ है। इसके चक्करों में आप सब ना पड़िएगा। आप सबका बहुत सारा पैसा इस प्रकार की पूजा पाठ आदमी बर्बाद हो जाते हैं कि फलाने को हमारे वश में कर दीजिए, हमारा पति भटक गया है वश में कर दीजिए, ये सब मिथ है। मस्तिष्क को शांत रखें, जो भी भटका हुआ उसको बैठा करके समझाने का प्रयास करिए, उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराइए, सब अच्छा रहेगा, सब सुखद और शुभ रहेगा।